सिर पर काली टोपी, सफेद शर्ट और भूरी पैंट, हाथ में दंड, जिह्वा पर मां भारती का नाम और हृदय में कूट कूट कर भरी राष्ट्रभक्ति, निडर, निर्भीक, संस्कारवान, विश्वासी, इन्हें देखते ही हम सभी के मन में एक ही नाम आता है, आरएसएस, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन। इतने बड़े संगठन की स्थापना करने वाले महान व्यक्ति का नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। अत्यंत गरीबी में जीवन यापन करने वाले हेडगेवार बचपन से ही दूरगामी सोचते थे। इसकी झलक उस वक्त भी देखने को मिली जब बंगाल का विभाजन हुआ। हर तरफ रोष व्याप्त था। जगह जगह स्वराज एक दिन का प्रश्न है पर भाषण हो रहे थे। ऐसे भाषणों को जब भी डॉक्टर साहब सुनते तो सोचते कि यह एक दिन में आने वाला स्वराज अपने आज के स्वाभिमान शून्य तथा विघटित समाज की स्थिति में संभवतः एक ही दिन में चला भी जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार इन्हीं प्रश्नों और क्रांतिकारियों को निकटता से देखकर विचार करते कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल भी जाए तो उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या आवश्यक है। अंग्रेजों से पहले मुगल आक्रांता भारत पर अधिकार जमाए बैठे थे, यह क्यों हुआ, हम कैसे सुनिश्चित करें कि फिर ऐसा ना हो। सार्वजनिक जीवन के उनके अपने अनुभवों के आधार पर उन्होंने एक ऐसा संगठन तैयार करने का प्रयास आरंभ किया जो हिंदू समाज का संगठन करे। यह प्रयास वर्ष 1925 में विजयदशमी के दिन आरंभ हुआ। जल्द ही दैनिक शाखाओं की शुरुआत हुई जो भारत माता की निस्वार्थ सेवा करने के लिए संस्कार देने का केंद्र बन गई। डॉक्टर हेडगेवार ने इस बेजोड़ संगठन की स्थापना जरूर की, लेकिन संगठन का गुरु चुना भगवा ध्वज। इस रंग का एक महत्व है, परंपरा से यह अपने यहां त्याग का रंग माना जाता है। सूर्योदय के समय क्षितिज पर इसी रंग को देखते हैं और हम लोग जाग जाते हैं, दिन हुआ, अब सोए मत, रहो, काम करो। सारे दुनिया की ठिठुराती हुई ठंड को निकाल कर उसमें सबको कर्मशील करने वाली उष्णता ऊर्जा भरने का काम करने वाला सूर्य, उसके सूर्योदय का स्वागत करने वाला यही रंग है। और हमारे देश के संपूर्ण इतिहास का साक्षी, हमारे महापुरुषों के पुण्य जीवन का प्रतीक, ऐसा यह सबके द्वारा सम्मानित भगवा ध्वज। जाति पाति के भेदभाव से दूर इस संगठन का एक ही काम है, लोगों को जोड़ना। नित्य शाखा में जाकर इनका यह स्वभाव होता है मिलकर काम करना, काम अपने लिए नहीं करना, काम देश के लिए करना, निस्वार्थ भावना से करना। और इसलिए यही स्वयंसेवक सारे देश में 1,57,000 से अधिक छोटे बड़े सेवा कार्य बिना सरकार का एक पैसा लिए अपनी चमड़ी घिसकर अपनी दमड़ी खर्चा होते समाज के बल पर करते तरह तरह की जीवन के प्रत्येक जगह में ये स्वयंसेवक है। और वहां उन्होंने लोगों का स्नेह भाजन, लोगों की आस्था का पात्र, ऐसे नंबर एक का काम करा दिया। आरएसएस का मुख्य स्वरूप सुबह शाम चलने वाली शाखाओं में दिखता है। रात हो या दिन, डॉक्टर हेडगेवार कर्तव्य की पुकार पर खड़े होने से कभी कतराए नहीं। उन्होंने कुशल दूरदृष्टा के रूप में एक संगठित समाज का स्वप्न समाज के सामने रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के कार्यकर्ता आज भी बिना स्वार्थ, बिना दिखावा, निश्चल हृदय से हर क्षण समाज के संगठन के लिए काम कर रहे हैं। 1925 में शुरू की गई दिनचर्या आज भी जारी है। डॉक्टर हेडगेवार की ये अद्भुत संकल्पना आज दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में साकार हुई है। ऐसी दूरदृष्टि रखने वाले तथा स्वयं की आहुति राष्ट्र यज्ञ में देने वाले डॉक्टर हेडगेवार हर भारतीय के लिए प्रेरणा का शाश्वत स्रोत हैं।